खर्चा तो बहुत हो गया। मैंने 1 यूरो का कमीज लिया पर उस पर लेस कितनी लगी देखिए, 8 यूरो की तो मैंने लेस लगा दी ऊपर, और 10 यूरो की सलवार 20 यूरो में पड़ गया। इंडिया के 2000 रुपए का सूट बन गया। मैं निकाल रही थी बैंगन, पहले तो फूके मार मार कर आग जलाते। सलमान देख जा आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। बच्चे चले गए स्कूल और मैं अभी फ्री हुई हूँ सारा काम ख़त्म करके। आज मैंने सफाई की अच्छे से ऊपर की और कपड़े धोए सारे। मैंने कहा सुबह सुबह सुखा दूँ, सूख जाएंगे। और मैं अभी चलती हूँ अरमान को लेने, आकर बनाऊँगी अरमान के लिए पराठा और अलीज़ा ब्रीन के लिए पिटा ब्रेड। अलीज़ा नहीं खाती ना बेसन वाला पराठा, अरमान तो खा लेता ब्रीन भी, तो अरमान को लेकर आते, उसके बाद करेंगे लंच। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। चलते अरमान को लेने, घर में कोई नहीं होता ना तो इतनी शांति है। मैं, मेरे को लगता है ऐसा ही पड़ा रहे सारा दिन, वो बच्चे आएंगे तो फिर देखना उसका हाल। हाँ बच्चे आ गए स्कूल से, और मैंने ब्रेड बनाया अपने के लिए। हाँ इन्होंने बनाया, मैं अरमान को लेने चली गई, दिखाना क्या डाला। ओ वाओ सलाद डाल दिया अरमान, ये बेटा ये कल के लिए। हाँ थैंक यू, आज हम दूसरा खाएंगे जो मम्मा ने बना कर दिए। मैंने अपना सलाद बना दिया था, मैंने कहा मैं आकर खा। हाँ थैंक यू थैंक यू, सारा सामान निकाल दो। चलो आज अरमान हेल्प करता है ना, थैंक यू। दूसरा भी लाओ, चलो कोई तो है हेल्प के लिए। वेरी गुड, पापा की चोट लग गई थी बेटा, क्या सारे खून ही खून लगा। चलो लंच कर लो। हाँ अरमान के क्रैकर भी आ गए आज तो। ओ ये ब्रेड मीठा, इसमें होती सौंफ, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आज अरमान ने सारा दूध निकाल दिया, वाह भाई वाह। अबली ना साइड हो जाओ बेटा, मैं दूध रख दूं। दूध आटा, थैंक यू, थोड़ा सा रह गया ले आओ, उतने मैं संभाल दूं। मानता नहीं क्या, तो मेरे पास ही आओ, आप खा तो लो बेटा। आजकल तो मेरा बेटा काम करने लगा है, देखा लीजा आपका काम आज अरमान कर रहा है, कैसे लग रहा है। थैंक यू बेबी, 5-6 दूध लेके आई हूँ, 6 लीटर, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता। हम लोग खुला दूध लेने ही नहीं गए, मैंने कहा एक बार इकट्ठा ले आऊँ, पर बग्गी में कितना खा सकता, मैंने अरमान को भी लाना था ना। थैंक यू, अभी आप बैठो और खा लो अपना, मम्मा संभाल दे दूध। मैंने रख लिया मेरा कमीज़, मैं इसकी करती हूँ कटिंग, मैंने उल्टा रखा है इसको, फिर ना हम इस पर लेस लगाएंगे। पहले मैं देखती हूँ कि लंबाई कितनी रहती है इसकी, और देखती हूँ सीधी साइड कौन सी है, ये साइड सीधी है, हाँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना फूल, तो इसको रख कर नापते हैं, नाप कर फिर निशान लगाते हैं, देखते हैं बाजू कितनी निकलती है। अभी मैं पहले नापूंगी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो नीचे निकल जाएगा, मैंने अपना नाप देख लिया। सलवार के साथ पहना तो ज़्यादा लंबे की ज़रूरत नहीं। मैंने ऐसे रखी है लेस फ्रेंड्स, एक साइड फिर दूसरी साइड, अभी मेरे पास नहीं है, और नीचे ये वाला जो ये है ना, ये कट कर अंदर आ जाएगा ना। तो अभी हम पहले ट्राई करते हैं, मैंने मशीन रख ली है, पहले मैं 2 साइडें लगाती हूँ, फिर मैं ऐसे लगाऊंगी और फिर घेर बना देंगे ना, ऐसे बन जाएगा सूट। अरमान किसका सूट सिएगा, मम्मा का? नहीं मम्मा अरमान दे सूट भी बनाओगी? बनाओगी, पर तुम्हें बनाना नहीं आता, मुंडे वाला सूट ठीक है के? ठीक है, सियाना है मेरे पुत्र ना, लड़ता नहीं मम्मा ना, गुस्से नहीं होता मम्मा ना। आज मम्मा बाहर नहीं लेके अरमान को ना, मार होता है। मैं क्या, चल मैं सूट ही बना ला अरमान, गर्मियां आ गई है, मां गर्मी नहीं लगती अरमान, अरमान को तो ठंड लगती है।
अभी लगाते हैं हम लेस। अभी हम करते हैं स्टार्ट। पहले तो मैं लेस लगाऊंगी और उसके बाद फिर इसकी कटिंग होगी। मैं देखती हूँ ना कि कितना कपड़ा अंदर जाता है, फिर उस हिसाब से ना हम काट देंगे। पहले पूरा तैयार कर लेना। अरमान बैठ गया, मेरे को लगता है अरमान टेलर बनेगा। अरमान टेलर बनूंगा। थोड़ी देर आईपैड देखा, थोड़ी देर। आजकल आईपैड भी नहीं देखता, सारा दिन बाहर ही खेलना। बस वाहिगुरु जी मेहर करेगा, बन जाए। बस इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बच्चे छोटे हैं। तो पंगे तो लेती हूँ मैं। इंडिया हो तो झट से सिला ले, यहाँ पर तो खुद ही करना पड़ता है। उतना महंगा सूट नहीं होगा जितनी महंगी यहाँ पर सिलाई है। हम रखते इस पर और सीधे सीधे सीन लगाते भाई। सीधा रखते खड़ी की होता तो फंसते। मैंने अरमान को खिलौने दिए, मेरे पास बैठेगा तो मैं धीरे धीरे लगाती हूँ। मोटे के ऊपर गए, मेरी आदत है गिरे ना तो इसलिए मैं ऐसे रख लेती हूँ। फिर धीरे धीरे चलती रहती है। मैंने दोनों तरफ से गले का निशान छोड़कर एक एक इंच छोड़कर रख लिया, क्योंकि प्लेटें भी डालेंगे ना तो भी लैस उसके बीच में नहीं आएगी। तो वो मैंने दिखा बनाया, तो अभी मैं ना पूरा कर लूंगा फिर आपको दिखाती हूँ। सूट तो मेरे पास बहुत है, हर लेडीज के पास होते, पर नए सूट का जो शौक होता है, चाह होता है ना, वो हर किसी को अलग ही होता है। ऐसे नहीं दुकानदार बोलते अगर लेडी सूट लेने बंद कर दे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, वो बात है बस, और कुछ नहीं। मैंने कोई निशान नहीं लगाया, बस मैं अंदाजे से ही लगा रही हूँ। पता क्या, पक्का निशान लग जाएगा ना तो फिर दिखेगा सूट पे, मैं वो नहीं चाहती। फिर मैं धीरे धीरे सीधे सीधे लगा रही हूँ। लगता तो है सेट आ जाएगा ऐसे। गर्मियों का सीजन है तो गर्मियों वाले सूट, सर्दियों का सीजन है तो यहाँ पर वेलवेट। पर गर्मियों में तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्टफ मिलता, इतना अच्छा ना। कल मैं देख के आई जब मैं लैस लेने गई थी, मैंने कहा वाह इस साल तो बहुत अच्छे आए हैं, पिछले साल तो कुछ भी नहीं था। पर मैंने तो अब ले लिए थे ना, वो लेडी मेरे को जानती है, दुकान वाली हमेशा हंसती रहती है देख कर। मैंने लिया नहीं कुछ, मैं बस देख के ही आ गई। मैंने कहा क्या करने इतने सूट, यही बन जाए बहुत है। ऊपर से लेस इतनी एक्सपेंसिव है ना, इंडिया से मंगाएंगे। अभी मैं यहाँ लगा देती हूँ, फिर एक यहाँ पे लगेगी 2 इंच के बाद, फिर एक यहाँ पे, और फिर फोल्ड हो जाएगा। देखना अरमान, अरमान डब्बा ही तोड़ देगा मशीन वाला। नंबर होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। मैंने ये लगा दिया, ये लगा दिया, और अभी हम ये लगाएंगे। ये तो बीच में आ जाएगा ना, जाली तो अंदर रह जाएगी, बस एक कट लग जाएगा, काट के तो फिर इधर एक लग जाएगी, फिर मेरा सूट कंप्लीट हो गया। 2 इंच पे ये लग जाएगी और फिर एक यहाँ पे ये लग जाएगी। मैं सोचती हूँ कि कट लगा दूँ ना, जाली वाला कमीज बनाए, फिर उसकी ना बुनियाद कम हो जाएगी। कमीज थोड़ी देर चलेगी अगर कट के लगाएंगे ना। तो मैंने कितना पहना, काट देते हैं, चेंज कर दिया। मैंने कहा कहीं सूट ही ना खराब हो जाए, इतनी मेहनत तो भी की हुई है ना। मैंने ऐसे लगा दी थोड़ी थोड़ी, क्या पता ये चीज मजबूत है कि नहीं। हमने तो डिजाइन ही, अच्छा किया मैं 1 मीटर ले आई। पहले मैं लेती थी बाजू के लिए, बाजू तो बनी नहीं। 1 मीटर आ गई है ना तो दोनों तरफ लग जाएगी, बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे डर रही थी मैं तो, खुश हो गई अब तो।
अभी हमने ये भी लगा दी, अभी लास्ट में लगा दी, और उसके बाद फिर हम काटेंगे कमीज को। मैंने सोचा पहले लगा दूं ना, कपड़ा कम ज्यादा पता चल जाता है, ऐसे पहले मैं काट दूं फिर सही ना आए ना। अभी मैं आराम से काट सकती हूँ, 2 इंच जितनी ये है, और शुरू कर। अब तो मैं खा गई। बस अभी सलवार रह गई है, वो बन जाए तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उसको काट कर बनाऊंगी। कमीज हमारा रेडी हो गया है और अभी हम बनाते हैं सलवार। सलवार का निशान लगाते हैं, कितना रखना है। इधर से लगा लेते हैं पोंचा, पोंचा 7 लगा लेते, इतना तो होना ही चाहिए ना, 6.5 बहुत है, 6.5। इधर से लगाते हैं आसन 10 इंच। निशान लगा देते हैं, देखिए ऐसे बनी थी। कॉटन की लाइनिंग लगाएंगे, कपड़ा पतला है ना, मैंने लाइनिंग भी काट दी है देख। अभी तो मैं पेटी बना रही हूँ लाइनिंग लगा के ना, अच्छे से पेटी बना देते हैं सलवार, और फिर सलवार जोड़ देंगे, सलवार रेडी हो जाएगी। बिना पोंचो वाली सलवार है, स्ट्रेट सलवार बन गई है देखिए, इसका कोई पोंचा नहीं बनाया, बस सिंपल ही। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मेरा सूट रेडी हो गया, और मैं आपको पूरी लुक दिखाती हूँ सलवार की और कमीज की, देख लीजिए। इंडिया गर्मी के लिए बेस्ट है। अब मैंने पहन लिया, आप लोग देख लीजिए कि कैसे लगता है ना, है ना बुटीक सूट। आप लोग घर पर ऐसे बना सकते हैं। खर्चा तो बहुत हो गया, मैंने 1 यूरो का कमीज लिया, पर उस पर लेस कितनी लगी देखिए, 8 यूरो की तो मैंने लेस लगा दी ऊपर, और 10 यूरो की सलवार, 20 यूरो में पड़ गया, इंडिया के 2000 रुपये का सूट बन गया। सिलाई आप लोग देख लीजिए, गुरमीत कौर ने अच्छा बनाया है कि नहीं। कपड़ा इतना कम था ना, बाजू नहीं बनी, पर मैंने कहा लॉन्ग शर्ट बना लेते हैं, और बाजू कोई बात नहीं, गर्मियों में चल जाएगा ना बाजू तो। ये लेस बहुत प्यारी है, आजकल ट्रेंड में है, और ये वाली भी ट्रेंड में है। ये मैंने बाजू पर लगाने के लिए ली थी, बाद में मैंने बाजू तो बनाई नहीं। कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, ऐसे जैसे ना मुलायम मुलायम है। सोच रही थी कैसे बनेगा, ऐसे लगाऊं वैसे लगाऊं, पर बहुत अच्छा बन गया सच में। कपड़ा इतना ही सॉफ्ट है ना, समर में पता नहीं चलेगा पहना, इतना मुलायम है, जैसे मलमल नहीं होता, मखमल जैसे है। तो अभी बनाती हूँ मैं सब्जी बच्चों के लिए। साहब कहते बाहर जला लो चूल्हा, क्योंकि धूप अच्छी है, मौसम अच्छा, तो पहले यहाँ से समेटूँ, सफाई करूँ। अलीजा भी ले गई अरमान को थोड़ी देर बाहर खेलने, उतनी देर में मैं साफ करके फिर जाऊँगी वहाँ पीछे, आग जला दूँगी, एक बना दूँगी आज फलियाँ बैंगन आलू, उनमें से एक सब्जी बन जाएगी, और थोड़ा सा चिकन बनेगा, आप लोगों को पता ही है, वो तो बनाएंगे बनाएंगे साहब। मैं निकाल रही थी बैंगन, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कितने प्यारे हैं ना। इनमें डालेंगे हम आलू,
इनको धोकर पहले काट लेते हैं, थोड़े कोई बड़ा है कोई छोटा है पर बहुत ताजे हैं। ये मार्केट से ही मिलती इतने ताजे बैंगन, यहाँ पर नहीं मिलते, यहाँ पर तो मोटे वाले बैंगन मिलते। इनको धोती हूँ, अच्छे से धोकर साफ कर लूँ, साफ कर कर फिर इनको काटेंगे, फिर बाद में नहीं धोते, पहले धो लेते हैं। आलू भी छील लेती हूँ, दो तीन आलू डाल दूंगी और बना दूंगी सूखी सब्जी। पहले मैं तैयारी करती हूँ फिर बाहर जाऊंगी सारी, अनियन वगैरह काट लेती हूँ, बाद में चलते हैं बाहर, एकदम से तड़का लगा देंगे बाद में रोटी का। लो पकड़ो बेटा अदरक लहसुन, अच्छे से कूट दो बेटा। मैंने इधर सब्जी काट के रख दी, आलू बैंगन, अभी मैं अनियन कर लूँ, उतनी देर लीजा लहसुन करती, ये सारा कूड़ेदान में फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देती हूँ। हमारा आटा भी बन गया, आटे को निकाल लेते हैं, निकाल के रख देते हैं डिब्बे में और चलते हैं बाहर तड़का लगाने। सारा काम हो गया, अभी बस तड़का ही रह गया, वो भी मैं लगा दूँ, लगा कर जल्दी से रोटियाँ बना के ले जाऊँगी। टाइम लगता है ना वहाँ पर आग जलाने में, तो मैंने सारी तैयारी कर दी है। अलीजा ने कूटते हैं लहसुन अदरक, अनियन हो गए हैं, मसाला लेके चलते। हाँ मैं चाहती हूँ, मैंने कपड़े बाहर रख दिए, मैंने कहा सूख जाएंगे, पहले मैंने अंदर कर दिए थे, और मौसम बिल्कुल क्लीन हो गया, साफ हो गया, ब्लू हो गया। हाँ स्काई, हाँ बेटा, और माँ ने देख लिया कि आज आग जलाएगी मम्मा। मैंने सारा सामान इधर रख दिया तड़के का, अभी मैं कढ़ाई निकालती हूँ, आग जलाती हूँ। क्या हो गया अरमान? हाँ अभी हम, हाँ आपको पता है, ये वाली लकड़ी डालेंगे, ये वाली लकड़ी डालेंगे, आग जलाएंगे और रोटी खाएंगे। ओके बेटा, बहुत ज्यादा लेके आए साहब और अरमान, फिर से लेके आए एक दिन दोनों बाप बेटा। आप हाथ मत लगाना, ओके गुड। अरमान ने कुर्सी खिला ली, कौन बैठे? पापा बैठे। चलो भाई, पापा फ्री हो गया भैया, पप्पी डे, पापा फ्री हो गए। आप लोग काले आ रहे हो, इधर से हम हैं काले, इधर से आओ गोरे, इधर ना चार। सूट कैसे बन गया? बढ़िया, बहुत अच्छा बन गया, क्या सलवार रह गई, आग जल रही है बस। ये घी भी डाला, हम रोज वो कर रहे हैं, हवन हवन कर रहे हैं। हम पहले तो फूके मार मार कर आग जलाते हैं, सारे मेरे चेहरे पे राख लग जाती है, फिर सब्जी बनती है। पर साहब कहते मेरा टाइम पास हो जाता है, शाम को अगर आप इधर सब्जी बनाते तो मैं इंजॉय करता हूँ। घी डालते हैं, बनाते हैं बैंगन आलू, साग लग गए तो अब तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बड़ी लकड़ों को भी लगते। चलो अरमान आप आराम से बोलो बेटा, कितनी अच्छी जल गई है ना। ये तो मेरा एक छोटा सा किचन हो गया अब, है ना, यहाँ पर बैठती हूँ, यहाँ पर सामान रख लेती हूँ, रोज आइडिया ही लगा लिया मैंने। जीरा डाल दिया और अभी हम डालेंगे लहसुन अदरक। आग तेज हो गई एकदम से, आग को भी देखना पड़ेगा, सामान मार दिया, तेज हो गई आग बहुत। तो अभी हम डालते हैं अनियन, यहाँ के प्याज वैसे भी बहुत ही कड़वे हैं। कम जलाई थी फिर भी बहुत ज्यादा जाली मिल जाए, सारी लकड़े सूखी है ना, बहुत ज्यादा हो गई यार। मैं ना हमेशा कसूरी मेथी पहले डालती हूँ तड़के में, बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ी सी ना आग भी आ रही मेरे मुँह को,
अभी खुशबू आने लगी ना साग साग जैसे, अभी हम डालेंगे तो चल, अभी हम डाल देते हैं टमाटर हला लेते हैं, ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा नमक बन जाए, आग अब कम ही रखेंगे कि धीमी आग पर बने बैंगन। अरमान क्या हो रहा है? नहीं 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 मेरे सरसों नहीं उठानी, देखना साहब पीछे क्या हो रहा है, निकाल ना दे दुश्मन है मेरे सरसों का। सच्ची है बन गया। हाँ, डालते साथ बन गया। हाँ। इतनी आग तेज है लकड़े बहुत क्या है नो, बाबा जी ने भी दे दिया तो मैं साथ के साथ सामान भी समेट दू अपना, अंदर लेके जाना पड़ेगा ना, अभी से ले जाएंगे हम। अलीसा अवलीन बेटा आ जाओ, पहले ना हल्दी डालते लाल मिर्च, दो चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, दो चम्मच डाल देते बस, बहुत इसमें तो ऐसे स्पीड से काम करना पड़ता है जैसे वो नहीं होती चीनियों वाली वो का ना। हाँ वो की है। हाँ, वो की। मिनट में क्या? पानी डालना पड़ेगा नहीं? हाँ, थोड़ा सा पानी लाना पड़ेगा, पानी लेके आओ कोई, बच्चों को बोलो ला कर दे, थोड़ा सा पानी डाल देते फिर बन जाएगी। आज हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, वैसे मैं बिना पानी के ही बनाती हूँ, गर्मी गर्मी में तो रोज बना सकते हैं, सर्दी में तो हम आते भी नहीं इधर, मैं देखती भी नहीं आके, एक बार जो सामान स्टोर रूम में रह गया मैं नहीं आती साल भर यहाँ पर, क्या करूँ बहुत ठंड होती है, स्टोर रूम के अंदर भी खड़े नहीं हो सकते, इसलिए अभी हमने गेट खुला कर दिया ना, डेढ़ दो महीने अभी गर्मी है तो अच्छे से सब सूख जाएगा ना, गर्मियाँ तो यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, सर्दियाँ बहुत गंदी, इंडिया में तो धूप निकल आती है फिर भी यहाँ पर तो धूप का नाम निशान ही नहीं है, दोनों को काम बांट दिया, अवलीन करेगी किचन टावल को और अलीजा करेगी हमारे कपड़ों को, दोनों लपेटेंगी, वो ना डिश वॉशर का ले आया जिद करके मैं रखती हूँ, बहुत खराब है ये सारे सूखे, अवलीन हाँ अच्छे से रख दो इसमें ठीक है, अलीजा आपके लिए दूसरा है बेटा, वो कहाँ पर है ब्लैक वाला, हाँ वो ब्लैक वाले में डालो आ बेटा सारे कपड़े लपेट कर, और आप इधर रख दो हम किचन में रख देंगे, अरमान बेटा वापिस रख दो, अरमान आजकल नया नया सामान लेता है, आग तेज हो गई ना साहब मैंने कहा था, नहीं थोड़ी साइड कर दो, थोड़ी नहीं नहीं कोई बात नहीं चलने दो, अब बंद हो जाएगी दूसरा ना, फिर अकेला रह जाएगा, नहीं नहीं सड़ता नहीं, पानी डाल देंगे सड़ा तो, और क्या नहीं सड़ता बन जाएगा धीरे धीरे, क्या है अरमान ने रोटी खानी है, अरमान से वेट नहीं हो रहा, देखो मामा ने तवा रख दिया अभी रोटियां बन जाएंगी, पापा सब्जी ले जाओ कि आपने खानी है अभी रोटी बन जाए, रोटी खा लूं है ना, मैं थोड़ी सी आग निकालूं जहां पर मैं रोटी को सेकूंगी, हाँ इसको आग लग गई, चिमटे को आग लग गई, आग तो बहुत है, डालो सब्जी और रोटी बनती है बस, हेल्प मी क्या करूं बताओ, शिमला मिर्च नहीं शिमला मिर्च थोड़ी बैंगन है, भूल गए आप अभी बैंगन, ये क्या आपके पास गिरा मत दे रहा बेटा, चलो भाई रोटी सेक दे साहब को, आलू बन गए बहुत हो गए, अलीजा ब्रिन कहती है आज हम भी खाएंगे बैंगन क्योंकि खुशबू आ रही है, देखते हैं नहीं अभी तो नहीं, पानी पी रहे मत पियो रोटी खा लेना बाद में थोड़ा पी लो, रोटी बन गई साहब के लिए अच्छे से, पापड़ बना दे इनकी आदत है तो बस पापड़ बना के ही खाते हैं, अरमान रखना
रोटी को क्लीन करे। पापा के लिए थोड़ा घी लगा दे और पापा को दे दे। लास्ट रोटी है, बच्चे खाने लगे, साहब ने अपनी खा ली है, ये तो यहीं पे खा लेते हैं। मैं रह गई, मैं अपनी दो बना के ले जाऊंगी छोटी छोटी फुलके। इधर साइड मेरा तुम्हें फूल जाएंगे ना, देखिए कितना अच्छा फूल है। मैं अपनी सब्जी डाल के ले जाती हूँ, अंदर ले जाती रोटी भी और खा लेते हैं, बस हो गया एंड। आप ले रहे साहब एक रोटी लास्ट वाली। क्या हुआ ये देखो मम्मा, ये क्या है, इंडिया में क्या बोलते हैं इसको? भाई पता नहीं। नो नो जा आ जाए। हाँ। अरमान देख जा आज। स्पाइडर लिबेल लिबेल। ओह सी सी। ओह वे नो वे कम लेट्स उड़ाते हैं जहाज को। स्टिकी गो वे वो शींक से उड़ गया। बर्तन हो गए हैं। चलो अलीजा कपड़ा मारे बेटा। हाँ मेरे को रोज जुखाम है, पता नहीं एक वीक से। हाँ बस सफाई हो गई हमारी, बस मैं डिश वाशर चला के ना थोड़ी बहुत कपड़ा मार दूँ और उसके बाद हम फ्री हैं। अरमान जाएगा बाहर, अलीजा है हेल्प के लिए। मैं अभी तो मैं बहुत थक गई आज को, कहते आप भी चलो। वैसे मैंने पैदल करना था 6 बजे ना, अभी हो गए हैं फ्री। मैं थोड़ी देर बाहर चली गई, मैंने कहा अरमान को खिलाते हैं। अभी मैं अवलीन को भेजती हूँ, साहब वहीं पर है, शाम को अरमान जाता खेलने ना, तो आकर अभी मैं बैठूंगी थोड़ी देर टीवी देखूंगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, लाइक अरमान बोला बाय।